हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि फोटोशॉप में फिल्म स्ट्रिप टेप हम किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं और उसके अंदर अपने फोटो को हम किस तरह से रख सकते हैं बिना क्लिपिंग मास्क के आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम कंट्रोल एन के साथ एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करेंगे। कोई भी साइज आप रख सकते हैं और उसके बाद हम यहाँ से एक रेक्टेंगल लेंगे, रेक्टेंगल टू। यहाँ पर अगर आपका पिक्सल्स या पाथ हो तो यहाँ से उसको शेप पर कर लीजिए और इस तरह की एक हम इस तरह का हम एक रेक्टेंगल लेंगे। ब्लैक कलर उसमें आप फिल कर लीजिए। उसके बाद फिर से हम एक और रेक्टेंगल लेंगे यहाँ पर थोड़ा सा इस तरह से। और इसमें हम फिल करेंगे वाइट। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, शिफ्ट के साथ इसको भी कर लेते हैं और इनको कर लेते हैं यहाँ से अलाइन। अब ये बिल्कुल सेंटर में आ गया इसके। तो उसके बाद हम इसकी कुछ कॉपी लेंगे यहाँ पर रखने के लिए। तो वो हम किस तरह से करेंगे एक बार हम देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसकी हम 8 कॉपीज और लेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। तो हम 8 बार फिर से कंट्रोल जे प्रेस करेंगे इसकी कॉपी लेने के लिए। कंट्रोल जे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने इसकी 8 और कॉपीज ले ली है और शिफ्ट के साथ एक कॉपी को हम यहाँ पर रखेंगे। अब इसको सेलेक्ट रखेंगे और शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट रखेंगे। तो हम सब को हमने सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ से हम इनको अलाइन करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट हॉरिजेंटली सेंटर इस पर क्लिक कर देंगे। तो इन सभी का अलाइनमेंट हो गया है। अच्छी तरह नहीं हुआ है, दोबारा करते हैं, इनको कर लेते हैं डिलीट। वन टू थ्री 4 5 6 7। इस बार 7 देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और सभी एक यहाँ से कॉपी उठाएंगे शिफ्ट के साथ और यहाँ पर रखेंगे। अब ये हमारी सेलेक्ट है, ये शिफ्ट के साथ इसको सेलेक्ट करेंगे जो हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल है। और उसके बाद यहाँ से अब थोड़ा बेहतर है। तो कंट्रोल जी के साथ इनको मैं एक बार ग्रुप कर लूँगा और इसको हम रेस्टराइज करेंगे। तो हम बाद में इसको रेस्टराइज करते हैं। तो अब हम यहाँ से छोटे छोटे कुछ यहाँ पर रेक्टेंगल या स्क्वायर कह लीजिए वो हमें यहाँ पर क्रिएट करने हैं। तो उसके भी कई तरीके हैं। या तो जिस तरह से हमने इनको क्रिएट किया है वहीं पर ही कॉपी ले लीजिए, लेकिन उसमें हमारा काफ़ी टाइम लगेगा, हमें बहुत सारी कॉपीज करनी पड़ेगी। तो हम यूज करते हैं थोड़ा आसान और छोटा तरीका। तो उसके लिए हम इरेजर टूल का यूज करेंगे। यहाँ पर है हमारा इरेजर, अपनी इस लेयर को सेलेक्ट करेंगे, लेकिन ये यहाँ पर काम नहीं करेगी क्योंकि ये फिलहाल हमारी शेप लेयर है। तो इसको हम कर लेते हैं राइट क्लिक यहाँ पर, रेस्टराइज लेयर। तो अब हमारा इरेजर उस पर काम करेगी। तो हमें यहाँ पर स्क्वायर में इरेजर चाहिए, तो वो हम किस तरह से क्रिएट करेंगे। इस आइकन पर क्लिक करेंगे, प्रीसेट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर राइट लेफ्ट क्लिक। और उसके बाद हम चलेंगे यहाँ पर, ये हमारा है स्क्वायर ब्रशेज। यहाँ से हम स्क्वायर ब्रशेज ले लेंगे, अपेंड, और हमारे ब्रश सबसे नीचे यहाँ पर आ चुके हैं। तो सबसे लास्ट में जो हमारा ब्रश है, या आप कोई सा भी रख सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर लेते हैं।
और कुछ थोड़ी सी हम सेटिंग करते हैं इसमें। यहाँ से जो हमारा स्पेसिंग है उसको हम कर लेते हैं लगभग 300%। बाकी आपको कुछ नहीं करना है, साइज़ हम वहीं से ही एडजस्ट कर लेंगे। तो अब हम इसका साइज़ कर लेते हैं छोटा। तो हम साइज़ इसका छोटा बड़ा किस तरह से करेंगे वो आप जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते उसको बता देता हूँ मैं। जो हमारा कीबोर्ड में कैपिटल ब्रैकेट होते हैं उनको आप प्रेस करेंगे, अगर आप राइट को प्रेस करेंगे राइट कैपिटल ब्रैकेट तो हमारा प्रेस बड़ा होगा। यहाँ पर आप उसका प्रीव्यू देख सकते हैं मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ। और लेफ्ट कैपिटल ब्रैकेट आप प्रेस करेंगे तो हमारा साइज़ छोटा होगा। तो हम साइज़ रख लेते हैं ये। तो शिफ्ट के साथ मैं एक बार यहाँ पर क्लिक करूँगा और फिर कहीं पर क्लिक नहीं करना, आपको सीधे इस तरह से निकल जाना है। ओह सॉरी, हिल गया था मेरा ब्रश। यहाँ से जो हमारे ब्रश की ओपेसिटी है वो भी काफ़ी कम है, तो 100 उसको कर लेते हैं। शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं और अब सीधे इस तरह से फिर से शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं। ओह शिफ्ट के साथ यहाँ पर क्लिक किया और सीधे, तो हमारी स्ट्रिप टेप यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो अब हमें इसके लिए चाहिए कुछ इमेजेस। आप खुद की अपनी इमेज इसमें यूज करना चाहे वो कर सकते हैं। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं फ्री इमेज तो साइट का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो के नीचे दिया है, वहाँ से आप जाकर फ्री स्टॉक इमेज डाउनलोड कर सकते हैं। तो जो मैं यहाँ पर इसमें इमेज यूज करने वाला हूँ मैंने वहीं से ही डाउनलोड किए हैं। तो जो इमेज हमें यहाँ पर यूज करनी है मैं जल्दी से यहाँ पर लेकर आता हूँ। तो यहाँ पर मैं कुछ इमेज लेकर आ चुका हूँ, ये हमारी कुछ इमेज है। तो सबसे पहले मैं इसे यूज करूंगा। तो जैसा कि मैंने बताया था उसके अंदर हमें रखने के लिए क्या करना होगा, हमें आप जानते ही होंगे पावर क्लिप करना होता है हमें किसी भी शेप या ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी इमेज को रखने के लिए। तो हमें वो नहीं करना है, हम दूसरा तरीका यूज करेंगे थोड़ा छोटा। तो यहाँ से एक बार मैं कंट्रोल ए प्रेस करूँगा अपनी इमेज को सेलेक्ट करने के लिए और सेकंड मैं कंट्रोल सी प्रेस करूँगा कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी। तो मैंने इसको सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लिया है और उसके बाद हम इनमें से एक को सेलेक्ट करेंगे। अब अपने ग्रुप को ओपन कर लेते हैं यहाँ से, ये है हमारी इमेज। तो कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पर एक बार लेफ्ट क्लिक करूंगा तो ये देखिए इस पर सिलेक्शन आ गया है। तो सिलेक्शन लेने के बाद हम यहाँ पर एडिट में चलेंगे, पेस्ट स्पेशल और यहाँ से पेस्ट। पहले हम जो हमारा यहाँ पर रेक्टेंगल जो हमने सेलेक्ट किया है उसी को सेलेक्ट रख लेते हैं और उसके बाद फिर से एडिट पेस्ट स्पेशल पेस्ट इनटू, तो उसके अंदर हमारी इमेज आ गई है। उसके बाद मैं कंट्रोल टी प्रेस करूँगा ट्रांसफॉर्म के लिए और कंट्रोल जीरो प्रेस करूंगा ताकि हमारी इमेज फिट टू स्क्रीन हो जाए। अब इसको मैं छोटा कर लेता हूँ, फिर से कंट्रोल जीरो। एंटर। तो पहली इमेज हमारी आ गई है, अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पहले अपनी इमेज को लेकर आइए, इसको तो हम हटा लेते हैं। इसको भी उसी तरह से कंट्रोल ए सेलेक्ट कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल के साथ इस पर क्लिक। सॉरी ये हमारी हो ही चुकी है क्योंकि वो जो हम यहाँ पर यूज करेंगे वो अलग से बनेगी। तो इसको मैं एक बार हाइड कर लेता हूँ, वैसे भी हमें आगे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, फिलहाल तो आईडी कर लेते हैं। अब इसको यूज करेंगे, इस पर क्लिक किया और इसी को ही सेलेक्ट रखेंगे। ध्यान रखिए पेस्ट स्पेशल पेस्ट इनटू कंट्रोल टी कंट्रोल जीरो फिट टू स्क्रीन के लिए, फिर से कंट्रोल जीरो फिट टू स्क्रीन के लिए एंटर। इसको भी ऐड कर लेते हैं, फिर से अपनी तीसरी इमेज लेकर आते हैं, कंट्रोल ए कंट्रोल सी कंट्रोल के साथ क्लिक पेस्ट इनटू कंट्रोल टी कंट्रोल जीरो कंट्रोल जीरो एंटर। इसको भी ऐड कर लेते हैं,
कंट्रोल ए कंट्रोल सी, तो सभी इमेज को अब आपको इसी तरह से करना है। कंट्रोल के साथ क्लिक, एडिट, पेस्ट स्पेशल, पेस्ट इनटू, कंट्रोल टी कंट्रोल जीरो। तो सभी को करने में कुछ अलग अलग हमें नहीं करना है, यही सेम प्रोसेस सभी में इनमें हमें करना है। या बार बार यहाँ पर नहीं आना चाहते तो आप अल्ट शिफ्ट कंट्रोल के साथ वी प्रेस कर लीजिए, वहाँ से भी आप कर सकते हैं, बार बार एडिट के अंदर आप आकर नहीं करना चाहते। तो इस तरह से हमने अपने सभी इमेज को एडजस्ट कर लिया है, और यहाँ से जो हमने रेक्टेंगल यूज किए थे, आप चाहे रखना चाहे तो रख सकते हैं, वरना डिलीट कर देंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इतना करने के बाद अब जो हमारे यहाँ पर ये लेयर्स है, और इसके साथ ताकि हमें परेशानी ना हो, दोनों को कर लेते हैं हम यहाँ पर मर्ज। इसको सेलेक्ट रखा शिफ्ट के साथ, इसको भी, और कंट्रोल ई प्रेस कर लेते हैं। तो ये अब हमारा सब कुछ एक लेयर्स पर आ गया है। तो अब हम इसके लिए एक सिंपल सा बैकग्राउंड क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ से एक नई लेयर लेंगे और इसको रखेंगे हम इसके नीचे, और इसमें मैं एक सिंपल सा ग्रेडियंट यूज करूंगा, ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ से ये, और उसके बाद आप ऐसा रखना चाहे तो इस तरह रख सकते हैं, वरना अगर आप इसको कुछ और इफेक्ट देना चाहते हैं तो वो किस तरह से हम करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस किया, यहाँ से रैप, और अब यहाँ से हम इसको जो इफेक्ट देना चाहे वो दे सकते हैं। इसको मैं उठाकर यहाँ पर रख रहा हूँ, और इसको थोड़ा सा ऊपर, और इसको थोड़ा सा यहाँ से अंदर की तरफ, और इसको थोड़ा सा नीचे, और एंटर। तो इस तरह का आप और कोई इफेक्ट देना चाहे वो दे सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप फिल्म स्ट्रिप टेप अपने फोटोशॉप में आसानी से बना सकते हैं, और अपनी कोई भी इमेज उसमें इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन प्रेस करना ना भूले, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आप तक हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।